हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज पढ़ने वाले हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ऑलरेडी हमारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज हो चुका है। अब एग्जाम टेम्परामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है तो आपको टेस्ट सीरीज जो है उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्रेप ऑनलाइन के ऊपर जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई गई है उसके ऑप्शन को ऑप्ट करें। और अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो PHY25 को, तो ये टेस्ट सीरीज और प्रेप ऑनलाइन के ऊपर अदर कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो उसके ऊपर आपको मिलेंगे कुछ बेनिफिट्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो उसकी जो शुरुआत है वो बेसिकली डिफरेंस के साथ होती है कि आखिर में गैसेस और उसमें भी रियल गैस और आइडियल गैस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड्स के अंदर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, इसीलिए उसकी साइज एंड शेप जो है वो फिक्स रहती है। लिक्विड के अंदर वो थोड़ा सा कम हो जाता है, रियल गैसेस के लिए वो बहुत कम होता है, और आइडियल गैसेस के लिए हम उसको क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। इसीलिए आइडियल गैस एक आइडियल फिनोमिना है, राइट। अब जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, जितना स्ट्रांग फोर्स से दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाउंड होंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी। और ज्यादा नेगेटिव का मतलब होता है नंबर स्केल पे देखोगे तो मिनिमम होना। तो सॉलिड्स की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यानी कि सबसे ज्यादा नेगेटिव। फिर लिक्विड्स की थोड़ी सी कम नेगेटिव, फिर रियल गैसेस की बहुत कम नेगेटिव। और अगर आप आइडियल गैस के बारे में बात करोगे तो वहां पर तो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। बट ध्यान देना, अगर कोई पूछे कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी किस स्टेट ऑफ मैटर के लिए मैक्सिमम होती है, तो आपको ध्यान रखना है जीरो जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि बाकी सबके लिए तो वो नेगेटिव है। तो मैक्सिमम होती है गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए, और मिनिमम होती है सॉलिड्स के लिए, ठीक है। अब क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, इसका मतलब है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी का मतलब है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी केवल और केवल किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो आप आइडियल गैसेस के लिए ये कह सकते हो कि आइडियल गैसेस की जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। आइडियल गैसेस के लिए आप ये कह सकते हो। और आइडियल गैस के इसी बिहेवियर को इन दो इक्वेशंस के द्वारा आप आसानी से दिखा सकते हो। PV इज इक्वल टू म्यू आर टी अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में लिखते हो, एंड PV इज इक्वल टू NKT अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिखते हो। ध्यान रखना यहाँ पर जो ये म्यू है इसको दो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। आइदर इसको लिखा जा सकता है N/N0, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 × 10⁻²³। एवोगैड्रोस नंबर सबको पता है, ठीक है। या फिर इसको कई बार मास की फॉर्म में भी लिख दिया जाता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसकी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो आप इस म्यू की इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, और इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर सकते हो। तो क्वेश्चन में जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है, और फिर आप चाहे जिस तरीके से मोल्ड कर सकते हो इस इक्वेशन को। यहां पर आपको पता होगा R जो है वो गैस कॉन्स्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन, और K जो है वो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻²³, ठीक है ना। अगर आपको ये दोनों इक्वेशंस और इसके साथ खेलना आ गया, तो आप ये मान के चलो कि इस चैप्टर के और अगले चैप्टर में जो थर्मोडायनेमिक्स के जो कुछ क्वेश्चंस है वो आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे। क्वेश्चंस के अंदर हम इस बात को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फिर गैसेस के जो बिहेवियर है उसको, हालांकि हमने इन इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दिया, बट फिर भी इन इक्वेशन से भी पहले
जो केवल और केवल बिहेवियर था उनको इन डिफरेंट डिफरेंट लॉज के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता था। पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं थी, उससे पहले की बात है ये, राइट? तो लोगों ने जस्ट केवल गैस देखी थी और उसको बाहर बाहर से देख के उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ आया था, उन्होंने ये बताया था कि अगर गैस का अमाउंट और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है तो गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। ध्यान रखना, इसमें आपको ध्यान रखना है कंडीशन क्या है और इक्वेशन क्या है, आप क्वेश्चन के अंदर इन्हीं दोनों चीजों के बेसिस पे इसको अप्लाई कर सकते हो। चार्ल्स लॉ की बात करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इफ गैस का अमाउंट एंड प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, यानी कि V1 डिवाइडेड बाय V2 किसके इक्वल हो जाएगा, T1 डिवाइडेड बाय T2 के इक्वल हो जाएगा। गेलुसेक्स लॉ की बात करें तो अगर गैस का अमाउंट और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा जाता है तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि पी वन डिवाइडेड बाई पी टू टी वन डिवाइडेड बाई टी टू के इक्वल हो जाएगा। अब आप अगर कंफ्यूज हो जाते हो इन लॉज के अंदर, राइट, तो आप केवल इस इक्वेशन के बेसिस पे जा सकते हो। जैसे पहले में कहा गया है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, अमाउंट कॉन्स्टेंट है, आर तो कॉन्स्टेंट होता ही है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरे में कहा गया है कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है और अमाउंट कॉन्स्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के। और तीसरे में कहा गया है कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, गैस का अमाउंट कॉन्स्टेंट है, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के। तो बेसिकली उसी इक्वेशन से आए, बट अलग अलग कई बार नाम के साथ भी इनको याद रखने की जरूरत पड़ती है। एवोगैड्रोस लॉ की बात करें तो अगर दो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लेते हो सेम प्रेशर के ऊपर, सेम वॉल्यूम लेते हो उनका और उनका टेम्परेचर भी सेम रखते हो, तो आप 100% ये कह सकते हो कि उन दोनों गैसेस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। डाल्टन्स लॉ जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने पहले एक गैस डाली और कंटेनर की वॉल्स पर लगने वाला प्रेशर था P1, इसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। फिर उसको बाहर निकाल लिया, दूसरी गैस डाली, उसने जो कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाया वो P2 लगाया। ऐसे तीसरी डाली, चौथी डाली, पांचवी डाली, आपने n गैसेस डाली, तो P1, P2, P3 अप टू PN, ये सारे के सारे क्या है, पार्शियल प्रेशर्स हैं। अब आप अगर इन सारी की सारी गैसेस को एक साथ उस सेम कंटेनर के अंदर डाल दोगे सेम टेम्परेचर के ऊपर, तो फिर वॉल्स के ऊपर जो लगाया जाने वाला प्रेशर होगा वो इन सारे के सारे पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चंस के अंदर जब हम अप्लाई करना सीखेंगे तो आप देखोगे कि अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो इस लॉ के ऊपर आते हैं, हालांकि आपको बहुत आसान लगेंगे, राइट? हो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनकी वेलोसिटी हर पॉसिबल वैल्यू की रेंडम डायरेक्शन के अंदर अवेलेबल होती है। तो अगर उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करोगे आप तो वो हमेशा आपको कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी। तो जब एवरेज किसी भी क्वांटिटी का जीरो आता है तो बेटर एवरेज लेने के लिए हम रूट मीन स्क्वायर लेते हैं, उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोला जाता है। तो वेलोसिटी की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, आप ध्यान रखना, वो अंडर रूट 3P डिवाइडेड बाय रो के इक्वल होगी, या प्रेशर ध्यान रख सकते हो 1/3 रो इंटू VRMS स्क्वायर के इक्वल होगा। कोई भी एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, उसके बेसिस पे सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है वो डिराइव किए जा सकते हैं। अभी जो पी अपॉन रो है, पी अपॉन रो, रो का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम, तो वी ऊपर चला जाएगा, फिर पीवी की जगह आप रख सकते हो म्यू इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय एम, ठीक है? और एम जो है या म्यू जो है उसकी जगह आप रख सकते हो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास टाइम्स आर टी डिवाइडेड बाय एम, एम से एम कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी आर टी डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू। तो ध्यान दो, P अपॉन रो फॉर्मूला कोई सा भी एक ध्यान रख लो, फिर ध्यान रखो P अपॉन रो को घूम फिर के किसके इक्वल लिखा जा सकता है, RT डिवाइडेड बाय MW के इक्वल लिखा जा सकता है, कर दिया, या फिर घूम फिर के किसके इक्वल लिखा जा सकता है KT अपॉन स्मॉल m, स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.73 रूट KT डिवाइडेड बाय m के इक्वल आ जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को ध्यान रख ले, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यूज किए जाते हैं। अगर आप मीन स्पीड की बात करते हो, ध्यान रखना ये मीन वेलोसिटी थी, इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड थे। मीन स्पीड में क्या होगा, अपन केवल और केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स ऐड कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आता है 8/पाई, जैसे यहाँ पे 3 था ना, यहाँ पे 8/पाई आ जाएगा, सारे के सारे फॉर्मूलाज वैसे के वैसे, ठीक है, 8/पाई आरटी अपॉन एमडब्ल्यू, 8/पाई केटी अपॉन एम, ठीक है। और जो तीसरी तरीके की वेलोसिटी है उसको कहा जाता है मोस्ट
प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है ऑन एन एवरेज वो आरएमएस स्पीड के साथ ट्रेवल करते हुए दिखाई देते हैं, बट अगर आप उनकी वेलोसिटीज को प्लॉट करो तो जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जिस वेलोसिटी के साथ आपको मैक्सिमम पार्टिकल्स ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे वो ये वाली होगी। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो 2p अपॉन रो, फिर आगे के फॉर्मूलास तो आप आसानी से कन्वर्ट कर ही लोगे। तो ये 4 तरीके की वेलोसिटीज हैं, चारों में से किसी भी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, बाकी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर मेंशन किया जा सकता है। सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा, और जब तक कहां नहीं जाए आपको ये मानना है कि जो वेलोसिटी दे रखी है वो आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड, राइट। ठीक है, तो ये जितने भी रिजल्ट है कि हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के बारे में आप बात कर रहे हो, इसीलिए इसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक। आप हर मॉलिक्यूल के लेवल पर जाकर बात कर रहे हो, इसीलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो माइक्रोस्कोपिक व्यू प्रेजेंट करती है टेम्परेचर की, प्रेशर की, वॉल्यूम की, कि आखिर में बेसिकली क्वांटिटीज है क्या। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान हो जाएंगे तो अब आगे का काम बहुत आसान है। फिर जब आप थोड़ा बहुत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझ चुके होते हो तो फिर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता चलता है, जिसको आप स्पेसिफिक हीट से जाके रिलेट कर सकते हो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कितनी पॉसिबल डायमेंशंस के अंदर अपनी एनर्जी कंटेन कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर काम में आती है, जो कि आपको ये कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर जो एनर्जी है मॉलिक्यूल की, टोटल एनर्जी उन सारी की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जीज के सम के इक्वल होती है। या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का मतलब है कि टोटल एनर्जी को हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इक्वली क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। हम तो न्यूमेरिकली कैसे यूज करेंगे, हम सबसे पहले तो इस टेबल को ध्यान रखेंगे कि जो मोनो एटोमिक गैसेज हैं जिनका मॉलिक्यूल जो है वो एक एटम से मिलकर बना हुआ है, अब उसके पास केवल और केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होगी। मतलब वो केवल और केवल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशन करने के लिए स्वतंत्र है। उसका रोटेशन काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल की साइज बहुत छोटी होती है और उसका किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नियरली कितना होगा, 0 होगा। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 0। तो और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक और होती है तीसरी कैटेगरी की, वो नॉर्मली हायर टेम्परेचर पर जाकर कंसिडर करी जाती है। तो जब तक कहा नहीं जाए तब तक अपन उसकी बात नहीं करेंगे, इसलिए टेबल में मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी इसकी 3। अगर आप डायटोमिक गैस की बात करते हो तो ट्रांसलेशनल जो काइनेटिक ट्रांसलेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो 3 ही होंगी, वही एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हो जाएगी इसकी 2, या तो वो एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट कर सकता है या फिर एक्स जेड प्लेन के अंदर रोटेट कर सकता है। अदर जितने भी रोटेशन है उनको इन दोनों के अलोंग क्या किया जा सकता है, कॉम्पोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब तक कहा नहीं जाए तब तक कंसिडर नहीं करना, इसलिए इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मानी जाती है 5। सिमिलर केस मिलेगा आपको ट्राई एटोमिक गैसेस के लिए, बट कैसी होनी चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर लीनियर होनी चाहिए। तो लीनियर होते ही वो डायटोमिक जैसी बन गई स्ट्रक्चर, तो सेम हो जाएगा ये 3, ये 2 और टोटल 5। और अगर अपन ट्राई एटोमिक गैस के बारे में बात करें तो फिर आपकी ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो एक मॉलिक्यूल केवल इधर जा सकता है, इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, रोटेशन इसका काउंट नहीं किया जाएगा। अगर डायटोमिक की बात करी जाए, जैसे आपने इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इधर आ सकता है, तो 3 तो ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगी, ये इसके अराउंड रोटेट कर सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से रोटेशन करेगा और ये इसके अराउंड रोटेट कर सकता है, बाकी जितने भी रोटेशन है वो इन दोनों की कॉम्पोनेंट के फॉर्म में डिवाइड किए जा सकते हैं। ट्राई एटोमिक है बट स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है, ठीक है, तो अगेन केस वैसा कैसे हो जाएगा, ट्रांसलेशन और रोटेशन, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपका ट्राई एटोमिक है बट लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर आपके 3 तरीके के तो ट्रांसलेशन होंगे और तीनों ही तरीके के रोटेशन होंगे, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है और इधर भी घूम सकता है, ठीक है ना, तीनों तरीके के रोटेशन जो है वो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट करेंगे। तो आप तो इस टेबल को ध्यान रख लो, फिर आपका सारा का सारा काम आसान
हो जाएगा। तो अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल चुकी है तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो अलग अलग निकाली जाती है, मोलर हीट कैपेसिटी, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो एक तो रिलेशन आपको ये ध्यान में रखना है, हालांकि इसके बारे में हम अगले चैप्टर में भी बात करेंगे, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर के इक्वल होता है। और ये जो सीवी है इसकी वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए तो 3/2 R के इक्वल हो जाती है और डाया एटॉमिक गैस के लिए 5/2 R के इक्वल हो जाती है। तुम यूं भी लिख सकते हो कि जो सीवी होती है ना वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल होती है। तो अभी जब आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आखिर में ये 3/2 R आया कहां से। तो अपन एनर्जी के बारे में बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो गैस है उसकी टोटल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी, उसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे आपको हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड एनर्जी पूछी जा सकती है तो ध्यान रखना वो कितनी होगी, 1/2 KT। तो अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 KT के इक्वल हो जाएगी। पूरी की पूरी गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए तो वो 3/2 PV के इक्वल हो जाएगी और अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करी जाए तो वो 3/2 E के इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अगर 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए तो वो 3/2 RT के इक्वल होगी और अगर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए कि 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है तो 1 मोल नंबर से अपन इसको डिवाइड कर देंगे और R/N₀ इसके इक्वल होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K के इक्वल होता है, तो 3/2 KT के इक्वल हो जाएगी। अब ये जो मोलर काइनेटिक एनर्जी है ठीक है, इसका अगर आप टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बचेगा, 3/2 R बचेगा और वही किसके इक्वल होता है, आपका सीवी के इक्वल होता है। तो इस तरीके से सीवी की वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है। जैसे मोलर काइनेटिक एनर्जी अगर मोनो एटॉमिक गैस लेते हो तो उसके लिए होती है 3/2 RT और अगर डाया एटॉमिक गैस लेते हो तो उसके लिए होती है 5/2 RT। टेम्परेचर से डिवाइड कर दो आपको सीवी की वैल्यू मिल जाएगी और अगर सीवी की वैल्यू मिल गई तो आपको सीपी की वैल्यू आसानी से मिल सकती है, राइट। और लास्ट चीज जो आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है वो है मीन फ्री पाथ। गैस के अगर किसी मॉलिक्यूल को आप ऑब्जर्व करोगे तो वो कुछ देर तक स्वतंत्र रूप से चलता है और फिर जाके किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या वॉल से टकरा जाता है कंटेनर की। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में वो एवरेज कितनी डिस्टेंस चल पा रहा है उसी को बोला जाता है मीन फ्री पाथ। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको ध्यान रखना है कि मीन फ्री पाथ जो होता है वो 1/√2 πd² × n के इक्वल होता है। यहाँ पर ध्यान रखना d जो है वो डायामीटर है किसका, गैस के मॉलिक्यूल का, और n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यानी कि एक तरीके से वॉल्यूम मॉलिक्यूलर डेंसिटी हो गई, ये उसके इक्वल है। तो मीन फ्री पाथ जो है वो एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स की साइज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितने ज्यादा बड़ी साइज वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतना ही ज्यादा टकराएंगे एक दूसरे से यानी कि उनका मीन फ्री पाथ उतना ही कम हो जाएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको भी आप आसानी से देख सकते हो कि अगर आप 1 लीटर के अंदर 1000 मॉलिक्यूल रखोगे तो कम कॉलिजन्स होगी और अगर 2000 मॉलिक्यूल्स रखोगे या 5000 मॉलिक्यूल्स रखोगे सेम 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर तो उनके अंदर ज्यादा कॉलिजन्स होंगे यानी कि उनका मीन फ्री पाथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस भी है बट हमारे पास में फॉर्मूला भी अवेलेबल है तो हम ये फॉर्मूला ही ध्यान रखेंगे, इससे हमें कैलकुलेशन के अंदर आसानी होगी। तो ये जो छोटी 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 बिट्स मैंने प्रेजेंट करी है KTG के लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए, ये आपको हर क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से रास्ता ढूंढना है आंसर की तरफ उसके अंदर आपकी मदद कर सकती है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इन इंफॉर्मेशन से बाहर चला जाए। अब केवल और केवल क्वेश्चंस के जरिए मेरे को आपको ये सिखाना है कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन यूज होगी और कैसे डिफरेंट डिफरेंट जगह की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से लिंक करोगे। यही पर्पज है मोस्ट वांटेड सीरीज का कि कम से कम इंफॉर्मेशन के साथ कैसे ज्यादा से ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को टारगेट किया जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई, अब दो स्किल्स हमें डेवलप करनी है, एक तो क्वेश्चन को ढंग से समझने की और दूसरी
डिफरेंट डिफरेंट जगह के कंसेप्ट को एक जगह पर लाके कनेक्ट करने की। अगर ये दो स्किल्स आपके पास में आ गई ना, तो फिर मोस्ट वॉन्टेड सीरीज जो है उसका बेनिफिट आपका लगभग 100 गुना इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आप ये खुद भी महसूस कर रहे होंगे। चलो तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। सिंपल पहचान में आप लोगों को कौन सी इंफॉर्मेशन यूज होगी। इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2O2 एंड HE गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर। तो अंडरलाइन करो, वॉल्यूम उनका इक्वल है, टेम्परेचर भी उनका सेम है और प्रेशर भी उनका सेम है। विच ऑफ दीज विल हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे आपको एवोगैड्रोस प्रिंसिपल याद आ रहा होगा। उन्होंने कहा था कि अगर सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पर आप डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को कंसीडर करते हो तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। डायरेक्ट आप लगा सकते हो क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यूज करी जा रही है, बट क्वेश्चन को समझना है आपका अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स एन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डबल्ड देन प्रेशर विल बी। तो एक बॉक्स दिया गया है आपको, कंटेनर की साइज फिक्स कर दी, तो इससे आप क्या पता लगा सकते हो कि उसका जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता लगानी थी कि इस क्वेश्चन में छुपा के ये कहा गया है कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर के बारे में बात नहीं करी गई, तो टेम्परेचर भी आप क्या मान लोगे, कॉन्स्टेंट मान लोगे। ठीक है, नॉर्मली गैस निकाली या भरी जा रही है तो टेम्परेचर वैसे भी चेंज नहीं किया। जरा इक्वेशन होती है आपकी PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। देखो टी कॉन्स्टेंट हो गया, R यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है और V भी कॉन्स्टेंट हो गया, तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा म्यू की, और म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। भाई N अपॉन N नॉट ही तो होता है, N नॉट तो कॉन्स्टेंट है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल कर दिया जाएगा तो प्रेशर भी आपका क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन पहचाननी है हमें बस क्वेश्चन से, और लिंक तो आई एम श्योर आप कर दोगे। देखो मोस्ट वांटेड सीरीज आपकी एक तरीके से और हेल्प कर रही है। नॉर्मली जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो आप उसको 2 या 3 दिन या 7 दिन तक स्ट्रेच कर देते हो, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हो, तो क्या होता है कि आपके दिमाग में पूरे के पूरे चैप्टर का एज अ होल मैप जो है वो क्रिएट नहीं हो पाता। मैंने उसका तरीका बताया था कि आपको हर चैप्टर के एंड में 1 पेज नोट्स बनाने चाहिए, बट आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी इस बात को नजरअंदाज करते हो। तो मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से, हालांकि सभी लोगों का कंसेप्ट मैप अलग अलग होता है, बट मेरी तरफ से जो मुझे लगता है कि जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, मैं उसको 1 पेज नोट्स के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, और इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर एक सिंगल पिक्चर की फॉर्म में आपके सामने आ जाता है, और फिर अलग अलग जगह की इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने में आपको थोड़ी सी आसानी होती है। ये फंडा है मोस्ट वांटेड सीरीज का, इसलिए आप देख रहे होंगे कि हम बहुत ही ज्यादा इफिशियंटली, आप नोटिस कर रहे होंगे कि चीजें हम स्किप भी नहीं कर रहे, बट फिर भी कैसे इतने कम टाइम के अंदर हम इतना इफिशियंटली इन सारी की सारी चीजों को कवर कर पा रहे हैं। तो वो तरीका बेसिकली आप लोगों के हाथ में भी है। खैर अभी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, बट अभी भी समय है, आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत बहुत ज्यादा इफिशियंटली पढ़ाई कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, अ रिजिड टैंक कंटेन्स 35 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 6 ATM। ठीक है, तो उसका अमाउंट दे दिया गया है और प्रेशर दे दिया गया है। ठीक है, सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू इंक्रीज द प्रेशर टू 9 ATM। पहले नाइट्रोजन थी, उसमें ऑक्सीजन मिला दी गई है, व्हाइल द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड टू द टैंक इज। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार आपको लगेगा कि शायद इस क्वेश्चन की मीनिंग जो है वो ही समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में आखिर में कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो फिट करी जाए, तो धीरे धीरे इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक टैंक दिया गया है, सोचो उस टैंक के अंदर पहले केवल और केवल नाइट्रोजन भरी हुई है,
और फिर नाइट्रोजन के अंदर आपने ऑक्सीजन मिलाया है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर भरा हुआ है, राइट। और यहां पर आपको हल्का हल्का सा ग्लिम्स लग गया होगा कि यार थोड़ा थोड़ा, और प्रेशर के बारे में बात करी जा रही है, तो थोड़ा थोड़ा डॉल्टन्स लॉ जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। यहां तक की बात आपको समझ में आई। तो रिजिड टैंक कंटेन्स 35 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट प्रेशर 6 ATM। तो अगर अपन नाइट्रोजन के लिए लिखें तो नाइट्रोजन के लिए प्रेशर है कितना, 6 ATM। वॉल्यूम अपन ले लेते हैं V, टैंक का जो भी वॉल्यूम है, और म्यू को मैंने लिखा था M/MW भी लिख सकते हो। तो मास आपको दे रखा है 35 किलोग्राम, और मॉलिक्यूलर मास जो होता है नाइट्रोजन का वो कितना होता है, 28 होता है, टाइम्स R टाइम्स T। टेम्परेचर T ले लिया अपने, टेम्परेचर वैसे भी कांस्टेंट रखा गया। सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू इंक्रीज द प्रेशर टू 9 ATM। अब मान लो जो क्वांटिटी डाली गई है, ठीक है, व्हाइल द टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड टू टैंक इज, तो जो ऑक्सीजन डाली गई है उसका अमाउंट अपन मान लेते हैं एक्स, कितने प्रेशर के ऊपर डाली गई है, 9। अच्छा 9 ATM तो बनाया गया है प्रेशर। अच्छा डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो मिक्सचर का प्रेशर होता है वो अलग अलग गैसेस के प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। तो 6 ATM नाइट्रोजन का था, मिक्सचर का हो गया 9 ATM, तो पक्का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहा होगा, 3 ATM रहा होगा। बस यहीं पर क्वेश्चन पकड़ में आ गया। वॉल्यूम हमें सेम रखना होता है, एक्स अमाउंट मान लेते हैं अपन, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 होता है, टाइम्स आर मल्टीप्लाइड बाय टी। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो वी से वी कट जाएगा, 3 से 6 कट के कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाय 32 और ये उल्टा हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 28, और RT से RT कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 7 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 4 से 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। नीचे दोनों मल्टीप्लाई होके 20 हो गए, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 किलो। तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करो, देखो कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर फिट की जा सकती है। और हल्का सा, अगर आप हल्का सा कोशिश करोगे ना, आपको राइट डायरेक्शन मिल जाएगी 100%। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में केवल और केवल हमें एक पहचानना था कि पहले नाइट्रोजन अकेली थी, फिर दोनों का मिक्सचर बनाया गया, प्रेशर दे दिया गया, यानी कि हो सकता है पार्शियल प्रेशर वाला जो लॉ है वो अप्लाई किया जाए, उसको अप्लाई किया और हमारा आंसर हमारे सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ गैस कंटेन्ड इन क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस, इट्स प्रेशर इंक्रीजेज बाय 1%, द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द गैस वॉज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के फिर से आपको वही टास्क दिया गया है कि आप पहले पहचानो कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिनको आपस में रिलेट किया जा सकता है। तो क्लोज्ड वेसल है, इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है, कितना इंक्रीज कर दिया, 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपने पढ़ा था P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए किसके, T के, यानी कि P2 डिवाइडेड बाय P1 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, T2 डिवाइडेड बाय T1 के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर हम इनिशियल प्रेशर 100 मान लेते हैं तो प्रेशर कितना बढ़ गया, 1% बढ़ गया, कितना हो गया, 101 हो गया। ऐसे ही इनिशियल टेम्परेचर अगर हम T मान लेते हैं तो टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, T+5 हो गया। अब यहां पर मैं आप बच्चों को एक हिंट देना चाहूंगा कि हो सकता है कि मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूं। अब आपको पहचानना है मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूं। खैर मैं आगे बढ़ता हूं, राइट, इसको तो सॉल्व किया जा सकता है। यहां पर आ जाएगा 101 T = 100 T+500। इसको इधर लेके आएंगे तो 100 में से 100 चला जाएगा, केवल और केवल टी बचेगा और आपका आंसर आ जाएगा 500। अब आपको ये जो ऑप्शन है ये यहां पर भी मिल जाएगा,
और आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्शन नंबर ए जो है वो टिक करके आ जाओगे। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं जिसमें जो आपने गलत आंसर निकाला है वो भी ऑप्शन के अंदर दिया जाता है, क्योंकि अगर आपका आंसर आ गया और ऑप्शन के अंदर है वो, तो आप सेकंड्स का भी देर नहीं लगाते, आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाते हो। लेकिन मैंने आपको हिंट दिया था कि हो सकता है मैं इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूं, और वाकई मैंने एक गलती करी और वो आपको एग्जाम के अंदर नहीं करनी। गलती क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जो गैस इक्वेशन है ना, इसके अंदर जब टेम्परेचर की वैल्यू रखते हो तो वो हमेशा केल्विन स्केल के ऊपर रखनी है, और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप केल्विन स्केल के ऊपर रखोगे इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे 5 डिग्री नहीं रखोगे, फिर आप कितना रखोगे यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 273 ऐड कर दो तो यहाँ पे 278 केल्विन आ जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 100T आ जाएगा, 101T आ जाएगा, यहाँ पे 100T आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 278 100, ठीक है ना। अच्छा, इंक्रीज्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस था, तो एक सेकेंड, अगर टेम्परेचर के चेंज की बात करी जाती है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गैस का टेम्परेचर है वो किस स्केल के अंदर रखा जाएगा, केल्विन स्केल के अंदर रखा जाएगा। अब यहां पे एक और फैक्ट है कि केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल में चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है ना वो सेम होता है, डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा सी, याद आ रहा होगा आपको पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो अगर 5 डिग्री सेल्सियस चेंज कर रहे हो आप, तो केल्विन स्केल पे कितना हो जाएगा, 5 केल्विन चेंज हो जाएगा, 5 केल्विन चेंज हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, 500 केल्विन आएगा, और 500 केल्विन को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है, और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें से 273 माइनस कर दोगे, और जैसे 273 माइनस करोगे इसमें से, ठीक है, तो आपको मिलेगा 7, यहां से चला जाएगा 3, और यहां से आ जाएगा 2, तो 227, सॉरी यहां पे 227 इतना डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका टेम्परेचर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो जानबूझ के गलती करी गई थी ताकि ऐसी गलती आप खुद ना करो, और ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, क्योंकि आपको ललचाते हैं गलत ऑप्शन को टिक करवाने के लिए, तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी। ध्यान रखोगे कि टेम्परेचर हमेशा किसके अंदर रखा जाएगा, केल्विन स्केल के अंदर रखा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस ओबेज एन एडिशन इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये स्टेट इक्वेशन एडिशन इक्वेशन, ठीक है, जो भी, पी स्क्वायर वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर टी एंड वी, व्हेन इट एक्सपेंड्स, एक्सपेंड का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज किया जा रहा है, कितना कर दिया 2V, देन इट्स टेम्परेचर विल बी, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का खेल खेला जा रहा है, तो पी स्क्वायर वी जो है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो वी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो पी वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, पी वी की जगह आप लिख सकते हो म्यू आर टी, तो म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन वी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, गैस का अमाउंट चेंज नहीं किया जा रहा और आर तो वैसे ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये वाली चीज भी कांस्टेंट हो गई, तो आप कह सकते हो कि टी स्क्वायर अपॉन वी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए, यानी कि टी वन स्क्वायर अपॉन वी वन किसके इक्वल हो जाना चाहिए, टी टू स्क्वायर अपॉन वी टू के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज टी एंड वी, तो टी वन की जगह टी रख दिया, वॉल्यूम की जगह वी रख दिया, यहाँ पे टी टू अपनों को निकालना है और वी टू की जगह कितना रख दिया, 2V रख दिया, वी से वी कट गया, 2 को इधर ले जाएंगे तो टी टू की वैल्यू आ जाएगी √2 times, इतना आपका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगले चैप्टर के अंदर भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, उसमें सबसे पहले आप ये देखो कि किन किन क्वांटिटीज के बीच जो है खेल खेला जा रहा है,
पहले पूरी की पूरी इक्वेशन को रिड्यूस करके उन दोनों क्वांटिटीज की फॉर्म में लेके आ जाओ, और फिर तो आप प्रोपोर्शनैलिटी के जो रूल्स है उसको यूज करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ वेसल हैज 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर 400 केल्विन। ए स्मॉल होल इज मेड इन इट सो दैट ऑक्सीजन लीक्स आउट। अब देखो गैस बाहर निकल रही है ना, इसका मतलब है गैस का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, और अगर गैस का अमाउंट कांस्टेंट नहीं है तो जो आपके जो गैस लॉज थे उनमें से आप कोई सा भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपको गैस इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। हाउ मच ऑक्सीजन लीक्स आउट इफ द फाइनल प्रेशर इज P/2 एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो हम तो गैस इक्वेशन पर चले जाते हैं। पहले देखो वेसल है 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर 400 केल्विन। तो प्रेशर था पी, वेसल का वॉल्यूम मान लेते हैं वी, म्यू को अपन लिख सकते हैं एम अपॉन एम नॉट, तो एम अपनों को दे रखा है 6 ग्राम्स और एम नॉट जो होता है वो होता है 32 ग्राम्स, 32 होता है, ग्राम्स में तो क्या लिखने की जरूरत नहीं है। तो म्यू की जगह मैंने एम अपॉन एम नॉट लिख दिया, टाइम्स गैस कॉन्स्टेंट आर टाइम्स टेम्परेचर कितना है आपका 400 केल्विन। यहां तक की बात आगे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड केस में क्या हुआ, आपका प्रेशर तो हो गया P/2, अच्छा वेसल अभी भी सेम है तो वॉल्यूम अभी भी क्या रहेगा, वी रहेगा। मान लो आपकी एक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लीक हो गई, तो यहां पर कितनी बच गई, 6 - x बच गई, ये तो अभी भी 32 ही है, टाइम्स आर टाइम्स 300 केल्विन, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इधर पीवी से पीवी तो कट जाएगा और 1/2 इससे इसको डिवाइड करते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो पीवी से पीवी कट जाएगा और इधर दे जाएगा 1/2, और इससे इसको डिवाइड करेंगे 32 से 32 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, इधर तो आ जाएगा 6 - x / 6, आर से आर कट गया और इधर आ जाएगा 300/400। देखो 00 से 00 चले गए, ये 3 से 2 × 6 कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 को इधर ले आएंगे तो 4 = 6 - x, x को इधर 4 को इधर ले जाएंगे तो x = 6 - 4, यानी कि 2 ग्राम्स जो है वो आपका आंसर। तो क्वेश्चन जब आपने पहली बार पढ़ा होगा तब आपको लगा होगा कि यार कोई क्ल्यू ही नहीं है इसके अंदर कि आखिर में करना क्या है, बट हल्का सा आप थोड़ा सा शांति से सोचोगे इस क्वेश्चन के ऊपर आपको हिंट मिलेगा कि गैस इक्वेशन लगा के देखते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर, क्या मालूम आंसर आ जाए और आपको आंसर आता हुआ भी दिख जाएगा। ठीक है ना, अपने रूल्स अपने जो लॉज हैं उनसे आपको नहीं डगमगाना, मतलब आपको कंडीशन प्री कंडीशन होती है हर लॉ की। मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे आप बॉयल्स लॉ और ये सारी की सारी चीजें इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन लीक हो रही है, यानी कि गैस का अमाउंट फिक्स नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर आपको शायद ये क्वेश्चन करने से कोई भी रोक नहीं सकता। राइट, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बी जो है वो करेक्ट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ अ जार फिल्ड विथ गैस ए आर पी वी एंड टी एंड इन अनदर जार B with another gas 2P V/4 and 2T, where the symbols have their usual meaning. The ratio of the number of molecules of jar A to those of jar B. ठीक है, तो number of molecules की form में हमारी जो equation हुआ करती थी वो हुआ करती थी PV = NKT। तो जो पहली वाली गैस है उसके लिए प्रेशर पी दे रखा है, वॉल्यूम वी दे रखा है और टेम्परेचर टी दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन कितने मान लेते हैं, एन1 मान लेते हैं, और जो दूसरा जार है उसमें प्रेशर है 2P, उसमें वॉल्यूम है V/4 = नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन ले लेते हैं N2, ये तो चेंज होगा नहीं, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, और टेम्परेचर कितना है 2T। आपसे पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ जार ए टू जार बी, मतलब N1/N2 निकालना है, तो इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, पीवी से पीवी तो कट जाएगा, ठीक है 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4/2
इधर आ जाएगा एन वन डिवाइडेड बाय एन टू, के से के चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा वन डिवाइडेड बाय टू, ये टू से फोर कैंसिल हो जाएगा, इस टू को भी उधर ले जाते हैं, तो एन वन डिवाइडेड बाय एन टू आपको आता हुआ नजर आएगा फोर डिवाइडेड बाय वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यूज करो, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यूज करोगे तो कभी भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हाइड्रोजन इज हैविंग टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेल्सियस, टिल व्हाट टेम्परेचर इट इज टू बी कूल्ड सो दैट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम्स हाफ ऑफ द अर्लियर वैल्यू। अब आरएमएस वेलोसिटी के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन याद आ रही होगी टेम्परेचर की फॉर्म में, वो आ रही होगी कि हुआ करती थी 3 R T / mW। देखो 3 और R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और mW इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गैस को चेंज नहीं किया जा रहा, केवल और केवल उसका टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो आरएमएस स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ तक की बात आ गई आपको समझ, यानी कि जो सेकंड कंडीशन के अंदर आरएमएस वेलोसिटी होगी और जो फर्स्ट कंडीशन के अंदर आरएमएस वेलोसिटी है उनका जो रेशियो है वो सिंपली T2 डिवाइडेड बाय T1 के इक्वल हो जाएगा। अब आपको बोला गया है कि टिल व्हाट टेम्परेचर इट इज टू बी कूल्ड सो दैट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम्स हाफ ऑफ द अर्लियर वैल्यू। तो अगर इस पहली कंडीशन में आरएमएस वैल्यू को वी मानते हो तो ये कितनी हो गई, हाफ हो गई, वी बाय टू। यहां पर टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, T1 आपको दे रखा है 327 और 327 को अगर केल्विन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड कर लेना, 327 और 273 ऐड करोगे तो ये जीरो, ये भी जीरो और ये आ जाएगा 6, तो 600 केल्विन। और T2 जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये तो आपको फाइंड आउट करना है टिल व्हाट टेम्परेचर इट इज टू बी कूल्ड सो दैट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम्स हाफ ऑफ द अर्लियर वैल्यू। अब देखो V से V कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर तो आ जाएगा 1/4, T2 अपनों को निकालना है, इधर रह जाएगा 600, यानी कि T2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 150। अब ध्यान देना ये जो आंसर आया ना ये केल्विन के अंदर है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सकता था अगर इसमें एक ऑप्शन 150 भी रख देते तो, कैंड नहीं दिया वो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता है कि हमें केल्विन को आप किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ऐड किया था तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसमें से -273 करेंगे तो हमारा आंसर हमें आता हुआ मिल जाएगा -123 डिग्री सेल्सियस। तो आपको अगर आरएमएस स्पीड को हाफ करना है तो आपको टेम्परेचर कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, -123 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आरएमएस स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट इज डबल्ड इफ द मॉलिक्यूलर वेट इज डबल्ड विथ व्हाइल टेम्परेचर इज हाफ। तो अगेन हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला यूज करना है, आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 R T डिवाइडेड बाय mW। अभी तो फर्स्ट कंडीशन थी, इसमें ये हमें कितनी दे रखी थी, 300 मीटर पर सेकंड दे रखी थी, तो हमने टेम्परेचर को T मान लिया और मॉलिक्यूलर वेट को हमने कितना मान लिया, mW मान लिया। अब हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, सपोज करो V हो गई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, 3 times R। टेम्परेचर क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया, मतलब टेम्परेचर हो गया T/2 और मॉलिक्यूलर वेट कितना कर दिया गया, डबल, यानी कि 2 mW। अब इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो इसको लिखा जा सकता है, ये 2 × 2 4 हो जाएंगे, इसका रूट बाहर आ जाएगा 1/2
अंडर रूट 3 RT/MW, और इसकी पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी है 300, आ जाएगा 1/2 × 300 यानी कि 150 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत हिंट और थोड़ा बहुत ग्लिम्स मिल रहा होगा कि यार फिजिक्स के अंदर चीजों को हम जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, हम जानबूझ के स्ट्रेच करते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन बहुत कम है, उनके बीच की इंटरलिंकिंग जो है वो हमें पकड़ दी, और शायद फिर क्वेश्चंस जो है किसी भी तरीके के हों वो हमारे हाथ में होंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे नीट रिलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको इसी तरीके का जो क्वेश्चन है ना वो नीट के अंदर मिलेगा। ये तो खैर आपको नीट का एग्जाम देने के बाद में पता चलेगा। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 एट अ सर्टेन टेम्परेचर T इज V। इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड एंड ऑक्सीजन गैस डी एसोसिएटेड इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, बहुत सही है, द RMS स्पीड इज, अगेन हमें इस फॉर्मूले के ऊपर हमला करना है, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT/MW। अब देखना यहां पर जो ऑक्सीजन है उसका मॉलिकुलर वेट होता है 32, और अगर आप एटॉमिक ऑक्सीजन बना दोगे उसको तो उसका मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 16, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो यहां पर आपको स्पीड दे रखी है वी, तो जो वी डैश होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी 3 R। टेम्परेचर को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, यानी कि ट्वाइस ऑफ टी, और छुपे हुए तरीके से आपको कहा गया है कि मॉलिकुलर वेट कितना कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया, यहाँ पे हो जाएगा MW/2। इस ट्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2 × √3 RT/MW, और इसकी जो वैल्यू है √3 RT/MW, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, वी के इक्वल है, तो वी डैश जो हो जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 ऑफ V के इक्वल आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 moles ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T, नेगलेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पकड़ना है कि अगर आप जब एक मिक्सचर के लिए एनर्जी निकालते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में अपन आसानी से एनर्जी को लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन बताई जा सके, जो मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो N1C1 + N2C2/N1+N2। हालांकि इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, बट फिलहाल क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को यहां पर मेंशन किया। तो सबसे पहले अपन करते हैं N1, तो 2 मोल तो अपनों को किसके दिए हुए हैं, आप ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे 2 moles हो गए ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन एक डाया एटॉमिक गैस है तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी वो 5/2 R के इक्वल हो जाएगी। ऐसे N2 हमें दे रखा है 4 और C2 हो जाएगा आपका 3/2 R, क्योंकि ऑर्गन जो है वो एक मोनो एटॉमिक गैस है, डिवाइडेड बाय 2 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 6। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 4 कट गया, ये 5 R और ये 6 R दोनों ऐड होके 11 R/6 हो जाएगा। तो ये मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। अब देखो ये किसके इक्वल हुआ करती थी, ये हुआ करती थी इंटरनल एनर्जी पर मोल या मोलर एनर्जी के इक्वल हुआ करती थी, यानी कि 1 मोल की टोटल एनर्जी जो है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, DU/dT लिखते थे, यहां पे U/T लिखते थे। तो 1 मोल ऑफ दिस मिक्सचर उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी आपकी 11 RT/6, जो आपने मिक्सचर बनाया है उसके 1 मोल
कि जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 11 RT/6। और आपने जो मिक्सचर बनाया है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल है, दो तो ऑक्सीजन के थे और चार ऑर्गन के थे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 6। तो आपकी जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 11 RT/6 × 6 के इक्वल हो जाएगी। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11 RT। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, राइट। केवल और केवल आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन पकड़नी है, ठीक है। देखिए, देखते हैं। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर एट टेम्परेचर टी, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो दो अलग अलग गैसेस दी हुई है, राइट। और उनको कहां पर रखा गया है, सेम टेम्परेचर टी पर रखा गया है। अब यहां पर आपको याद रखना है कि यार एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी, इसको अपन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बोला करते थे, वो किसकी इक्वल हुआ करती थी, वो हुआ करती थी 3/2 KT के। शर्त यही है कि आपकी जो गैसेस हैं वो दोनों की दोनों सेम तरीके की होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे दोनों डायटोमिक गैसेस हैं, ठीक है। तो अपन इसको इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। 3/2 लिख लो, 5/2 लिख लो, मेन चीज जो है वो KT है। अब देखना, अब आप देख रहे हो यार ये मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, बाकी सारी चीजें तो कॉन्स्टेंट है। यानी कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इस बात के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती कि आप किस गैस के बारे में बात कर रहे हो। बस गैसेस जो है वो दोनों सेम नेचर की होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे दोनों डाई एटोमिक गैसेस है। तो इससे आप 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकते हो कि क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसलिए ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, दोनों की ही एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग पेन उठा के फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करने की कोशिश करोगे, बट इन्फॉर्मेशन एक बार आपने पकड़ ली तो आपके लिए क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसके अंदर हमने बहुत ही स्पेसिफिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर को भी कवर किया, साथ ही साथ में जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप नीट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करी। आप एक बात इस चीज के बारे में ध्यान रखें कि मोस्ट वांटेड सीरीज जो है उसके हर वीडियो को देखने के बाद में आपका सिलेबस के रेस्पेक्ट में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप क्वेश्चंस को किस टेम्परामेंट के साथ अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरी की पूरी जब आपके पास में आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है कि आपको खुद को क्वेश्चंस करने का मन होता होगा, और इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि वीडियो के अंदर कई बार चीज़ें फास्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर अपनों को ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो आप सबसे पहले तो क्या करो, इन सारे के सारे वीडियोज़ को एक बार देख लो, फिर जब दोबारा इस वीडियो को प्ले करो तो हर क्वेश्चन को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, भले आपको याद है उसी बेसिस पे करो, तो उससे इंफॉर्मेशन एक अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और फिर आप टेस्ट सीरीज जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है प्रेप ऑनलाइन के ऊपर, और वो मोस्ट वॉन्टेड सीरीज के ही पैरेलल तैयार करी गई है। अगर आप इस मोस्ट वॉन्टेड सीरीज को उस टेस्ट सीरीज के साथ कंप्लीट कर लेते हैं हर चैप्टर के लिए, तो शायद नीट के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ में रहेगी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।